गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम आपके इंग्लिश की वर्कबुक का पेज 26 फिल करेंगे। सभी बच्चे वर्कबुक में ही इसे करेंगे, पेंसिल से फिल करेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? अपने इंग्लिश में जब हम स्टोरी रीड करते हैं, कोई भी पैराग्राफ रीड करते हैं या कोई भी सेंटेंस जब हम रीड करते हैं, तो आपने ऑफकोर्स ये देखा होगा। जैसे यहाँ पे देखें, हम पहले इस क्वेश्चन को ही रीड कर लेते हैं। द वर्ड डोंट, ये डोंट जो वर्ड है बेटा, आप देख रहे हैं इसमें ऊपर एन के बाद में ऊपर कॉमा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी। जैसे आप फादर्स नेम, मदर्स नेम में ऊपर कॉमा लगा के एस लगाते हैं ना, उसको, उस ऊपर लगे हुए कॉमा को हम बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी। सो द वर्ड डोंट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू नॉट, यानी ये वर्ड क्या है? डू नॉट है एक वर्ड। जब हमने इन डू और नॉट, इन दोनों वर्ड्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन यानी अपोस्ट्रॉफी लगाया, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया और इससे क्या वर्ड बना? डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया? डोंट। व्हेन वी मेक वन वर्ड आउट ऑफ टू वर्ड्स बाय एडिंग एन अपोस्ट्रॉफी बिटवीन देम, इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब हम किसी भी, किन्हीं भी दो वर्ड्स के बीच में अपोस्ट्रॉफी लगा के एक नया जो वर्ड बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन यानी इनके शॉर्ट फॉर्म्स हमें लिखने हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है संकुचन, उसको छोटा करना। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे दे आर, तो दे आर को जब हम ज्वाइन करेंगे अपोस्ट्रॉफी लगा के, ठीक है, जब हम ज्वाइन करेंगे अपोस्ट्रॉफी लगा के, तो ये बन जाएगा दे आर, ठीक है, दे आर। सेकेंड है कैन नॉट, कैन नॉट नहीं सकता, तो हो जाएगा कांट, इसमें एन के बाद अपोस्ट्रॉफी लगाया और ये बन गया कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट। वॉज नॉट, नहीं था, इसका कॉन्ट्रैक्शन बनेगा वॉजंट, क्या बनेगा? वॉजंट। वी विल, हम करेंगे, इसका हो जाएगा विल, ठीक है। फिर है इज नॉट, इज नॉट का बनेगा इजंट। ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है। ये है, आज हमने सीखा है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा।